ये जो आप लोग देख रहे हैं ये शिवलिंग है। इस मूर्ति को एक बार एग्जीबिशन के लिए आपको लंदन में लेके गया था। पूरा ट्रेडिशनल घर है, इसको अभी पिक्चर पे डिपिक्ट किया गया। ये एक है रावण का एक पोशाक है, इसको बोलते हैं हमारे आसामीस लैंग्वेज में नांगोल बोलते हैं। वुडन व्हील होता है, इसको मतलब लगा के ब्लॉक काट चलाते थे। जो आप लोग देख रहे हैं ना ये मच्छर भगाने के लिए यूज होता है ये। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज और एक नए जगह को लेके आया हूँ मैं, गुवाहाटी के टूरिस्ट अट्रैक्शन को लेके। तो मैं आज आया हूँ आपका असम स्टेट म्यूजियम, जो कि स्थित है आपका अंबारी में, गुवाहाटी के अंबारी में स्थित है। और इसमें भी आपको कलाक्षेत्र जैसा आपको मतलब पूरा जो असम का कल्चर है वो दिखा सकूँगा। और एक बात सही है, मैं मुझे कलाक्षेत्र में मुझे अंदर शूट करने का अलाउ नहीं मिला था, और यहाँ पर मुझे अंदर शूट करने का अलाउ मिल गया। तो मैं आप लोग को हर एक चीज़ दिखा पाऊँगा कि क्या क्या है असम के कल्चर को लेके। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या है इसमें दिखाने लायक। तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं ये मूर्तियाँ कोई नई मूर्तियाँ नहीं है, ये बनाया हुआ मूर्तियाँ नहीं है। ये मूर्तियाँ आप लोग को मिली है यहाँ पे अंबारी में, जो जहाँ पे ये म्यूजियम स्थित है उसके पास ही कहीं पे बहुत टाइम पहले, मतलब जब मतलब वो हुआ था एक्सकेवेशन हुआ था बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब तोड़ा गया था, मतलब जमीन खोदा गया था, तब ये सब मूर्तियाँ मिली थी। तो ये सब देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कितने पुरानी मूर्तियां हैं, अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है कि कितनी पुरानी मूर्तियां हैं, कौन कौन से एडी, कौन कौन से बीसी, मतलब सौ साल भी नहीं, मतलब 500-600 साल पुराना मूर्तियां यहाँ पे। और ये जो आप मूर्ति देख रही है नटराजा का मूर्ति है। और इस मूर्ति का खासियत आप लोगों को पता है, तो ये मूर्ति इतना बड़ा मूर्ति है, एक ही पत्थर में इसको स्क्रिप्ट किया गया मूर्ति है। और इस मूर्ति को एक बार एग्जीबिशन के लिए आपको लंदन में लेके गया था। आप लोग सोचिए, इस इतना बड़ा मूर्ति आपको यहाँ से गुवाहाटी से आपका लंदन लेके गया, फिर वापस लेके आया इसको लंदन में एग्जीबिट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि कितना क्रिएटिव लोग हैं इंडिया में। और गाइज ये है आपका दुर्गा की मूर्ति है। नॉर्मली दुर्गा की मूर्ति में 10 हाथ होती है, ठीक है, तो और इस मूर्ति में है आपका 16 हाथ। तो इसको उस टाइम पे बनाया था, किसने बनाया था, क्या बनाया था कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत ही गजब बनाया था। आप लोग इसका जो डिटेलिंग देख सकते हैं, एक ही पत्थर में ये सब बनाया गया है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये शिवलिंग है। आप लोग जो मंदिर में देखते हैं वो शिवलिंग एक्चुअली घिस के पतला हो जाता है, तो ये जो एक्चुअल शिवलिंग है वो इस तरह से दिखता है कुछ। तो शिवलिंग को जहाँ पे रखा जाता है उसको बोलते हैं योनिपीठ, और ये है योनिपीठ। ये योनिपीठ आज के जमाने का नहीं है, बहुत पुराने जमाने का है। आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि कितने पुराने पत्थर, ये सब कुछ एक्सकेविशन में मिला गया था। और ये म्यूजियम में अभी इसको सजा के रखा गया है लोग, ताकि इतने पुराने चीज देख सकते। तो गाइस जैसे कि अब हम लोग सेकंड फ्लोर में आ गए हैं, और इस फ्लोर में आपको पूरे असम की जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ है, जितनी भी ट्रेडिशनली जो यूज़ होता था, जो कुछ भी है, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोग को। तो गाइस जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आपका भावना। ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है जिसको शंकरदेव ने निकाला था। इस भावना एक भावना एक चीज़ एक तरह का नाटक ही है, जो मतलब शंकरदेव ने इसको निकाला था। और आप लोग पीछे देख सकते हैं ये घर जो है ना, यहाँ पे ये जो भावना करने वाले लोग होते हैं ना, ये लोग रहते हैं। ये पूरा ट्रेडिशनल घर है, इसको अभी पिक्चर पे डिपिक्ट किया गया है। एक्चुअली अगर मुझे मिले तो मैं दिखा दूंगा आप लोग को। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये एक है रावण का एक पोशाक है, जिसके अंदर लोग चले जाते हैं, और मतलब अंदर लोग जाके इसको ये भावना में ये लोग नृत्य करते हैं, इसको पहन के रावण का जो रूप धारण करते हैं, इसी चीज़ को पहन के रावण का रूप धारण कर नृत्य को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली ब्रास मेटल का एक इसको एक्चुअली हमारे असमिस लैंग्वेज में बोलते हैं कि फराय है। और ये आपको अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ब्रास मेटल ट्रे बोल सकते हैं। ये एकदम ट्रेडिशनल ट्रे है, नया लोग तामुल पान दे के आपको स्वागत करते हैं इस चीज से। सो ये सब जो है ना ये सब मास्क है। इसको भावना अभी जो दिखाया था आप लोग को, ये माजुली एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये भावना बहुत ही फेमस है। अगर मुझे मौका मिले तो माजुली में जाके आप लोग को रियल में दिखाऊंगा। ये सब मास्क पहन के माजुली में लोग भावना करते हैं। तो ये सब एक्चुअली एक तरह का ट्रेडिशनल मतलब मास्क है, जो आपको माजुली में बहुत अवेलेबली मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टाइल्स है ये म्यूजियम का टाइल्स है, और यहाँ से आपका एंट्री होता है। ये जो मिट्टी दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली हमारे गांव में ऐसा ही मिट्टी होता है, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है कि गांव में ऐसा मिट्टी होता है, और इस तरह से आपका
गांव में घर का एंट्री होता है। सो ये सब जो चीज है ना, इसको बोलते हैं हमारे आसामीज लैंग्वेज में नांगोल बोलते हैं, और इस चीज को यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट से। और ये जो है ना बुलक कार्ट व्हील है, जो पहले जमाने में हम गाड़ियां और ये नहीं होती थी, तो ये जो होता है ना, ये बुलक कार्ट का जो व्हील होता है इतना बड़ा बड़ा, मतलब वुडन व्हील होता है, इसको मतलब लगा के बुलक कार्ट चलाते थे। बुलक कार्ट तो आप लोग को पता ही है। और एक चीज आप लोग यूनिकनेस देखिए, यहाँ पे जो ये बैरिकेड दिया गया है, इसको आगे जाने से मना है ना, तो ये बैरिकेड भी आपका असम का जो ट्रेडिशनल बैम्बू का जो दीवार होता है ना, जो आपको गांव में ऐसा बैम्बू का दीवार मिल जाता है, तो ये लगा के आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है, और आप लोग मतलब टच करके भी महसूस कर सकते हैं कि कैसा होता था। तो ये भी है एक आपका असम का ट्रेडिशनल, जो गांव में आपका नॉर्मल दीवार लगाया जाता है, आपको मतलब ईंट का वो सीमेंट का दीवार वहाँ पे नहीं दिखता है, सब ये सब दीवार दिख जाते हैं जो कि बैम्बो से बनाया जाता है। आप लोगों को पता है असम बैम्बो के लिए कितना फेमस है, और असम में बैम्बो कितना अवेलेबली मिलता है। तो चलो गाइस, अभी एंट्री करते हैं आपका जो ड्राइंग रूम होता है ना, जो सिटिंग एरिया होता है असम के ट्रेडिशनल गाँव में, तो सिटिंग एरिया कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे कैमरा में कितना साफ आ रहा है पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सब चीज़ यूज़ करके, ये सब चीज़ मतलब ज़मीन पे बिछा के लोग बैठ जाते थे यहाँ पे, और ये इसको बोलते हैं आपका पीरा। और इसमें आपको अभी जो दिखाया था वो ब्रास मेटल का जो प्लेट दिखाया था, ये वो एक छोटा वर्जन है जिसको हर घर में आपको मिल जाते हैं, और इसको आपको मतलब कोई भी मतलब आपके घर में नए लोग आते हैं ना, तो उसको स्वागत करने के लिए इन सब चीज़ों में तामुलपान दे के आपका स्वागत किया जाता था। और ये हो गया आपके असम का जो, जिसमें आपका गाय रखते हैं ना, गाय का जो घर होता है ना, तो इसको ट्रेडिशनली बनाया जाता है। तो और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मच्छर भगाने के लिए यूज़ होता है, ये भी खैर से बनाया जाता है। मैं खैर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं आता है, तो मैं इसलिए खैर बोल रहा हूँ। और ये सब यूज़ करके आपका मतलब मच्छरों को भगाया जाता है, और यहाँ पे आपका गाय का रखा जाता है रात को, मतलब सेफली वो लोग रह सकते। तो इसको ना पूरा एकदम अच्छे से सजाया गया है कि ये एक्चुअल, ताकि आप लोग को फील दे सके, ये हमका जो ट्रेडिशनल बेडरूम होता है ना, बेड कम स्टोरेज बॉक्स, इतने बड़े बड़े बिस्तर लगाया जाता था, और यहाँ पे मतलब जो घर के सबसे बड़े लोग होते थे ना, वो लोग यहाँ पे सोते थे रात। ये एक अलग सा बेडरूम है जिसमें एक दो और बिस्तर रहते हैं, और ये सब जो मतलब लालटेन बोलते कि क्या बोलते पता नहीं, जब बिजली कम हुआ करती थी ना, तो ये सब यूज़ करके मतलब घर पे रोशन लाया करता था। अब मैं आया हूँ जो कि किचन हुआ करता था, तो आप लोग मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तो अंदर जाना थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो देख रहे ना आपको, जो ट्रेडिशनली पहले खाना बना था, अब तो मतलब चूल्हे गैस ये सब में यूज़ होता है, तो पहले मतलब जो मतलब वो लकड़ी से आग जला के जो किचन में यूज़ होता था ना, वो सब चीज़ है। ये एक्चुअली पूरा ट्रेडिशनल किचन है, यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाता है जो ट्रेडिशनली यूज़ होता था असम में पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रास मेटल का जितने भी यूटेंसिल्स है, सब कुछ यहाँ पे रखा है, छोटे से बड़े से हर कोई ब्रास मेटल का हर एक चीज़ यहाँ पे रखा गया है। और इसके साथ यहाँ पे रखा गया है कि असम का ट्रेडिशनल जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि जो कुछ भी हुआ करता था, वो सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। और ऊपर जो रखा हुआ है ये सब है पपेट, जो कि पहले यूज़ हुआ करता था पपेट डांस पे, और अभी शायद यूज़ होता है। और ये सब देख सकते हैं कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ होता था। इस म्यूज़ियम में असम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको असम के बारे में अच्छी तरह से जानना है, या फिर असम की ट्रेडिशन को देखना है, तो इस म्यूज़ियम में आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते अगले वीडियो में एक नया जगह के साथ। आज के लिए टाटा बाय बाय।